एक पत्रिका असी जन्म जयपुर में पायो, बढ़ता बढ़ता नाम सकल मरुदर में छायो। काम करियो तो भारत भर में सुजस कमायो, 10-12 अखबारा बिचे पैर जमायो। जन्मी जद तू बढ़ रही, बढ़िया जा रही आस, पग धरती पर बढ़ रहा नजरा में आकाश। राजस्थान का डेली न्यूज़पेपर राजस्थान पत्रिका। ये कैसा अखबार है जो लोगों की जिंदगी से इस कदर जुड़ा हुआ है? यहां तक पहुंचने के लिए, इतनी बड़ी पावर बनकर उभरने के लिए पत्रिका को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा। लेकिन जब यह सफर शुरू हुआ था 50 साल पहले, तब हालात जरा अलग थे। 7 मार्च 1956 को श्री कर्पूर चंद्र कुलिश ने राजस्थान पत्रिका की नींव रखी। राजस्थान पत्रिका, राजस्थान का अपना अखबार। इतने बड़े न्यूज़पेपर की शुरुआत कुछ मित्रों की मदद और सिर्फ 500 रुपए से हुई थी, पर कुलिश जी के दिल में एक जोश था, जुनून था और कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। लेकिन राजस्थान पत्रिका के पास अपनी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। 1960 में राजस्थान पत्रिका पहली बार अपनी सेकेंड हैंड सिलेंडर प्रेस पर छपना शुरू हुआ। के बाद पत्रिका राजस्थान का एक प्रमुख अखबार बनकर उभरा, लेकिन अभी तक पत्रिका सिर्फ एक शाम का अखबार था। और 1964 में यह एक सुबह का अखबार हो गया और पत्रिका ने एक नई सुबह देखी। रीडर्स का कॉन्फिडेंस और न्यूज़पेपर की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही थी। 1986 आते आते कुलिश जी को लगने लगा कि अब नेतृत्व नई जनरेशन को सौंप देना चाहिए। सच पूछे तो राजस्थान पत्रिका एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाता है। सरकारों की नाराजगी को सहन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, और पिछले 50 साल में तो कई बार हमने इसको भोगा भी है। पाठकों की नाराजगी को सहन करना आसान काम नहीं। आज राजस्थान पत्रिका पाठक की ताकत भी है और आवाज भी। जो विश्वास पत्रिका उन्हें देता है, वही विश्वास पाठक उन्हें लौटाता भी है। सिद्धे बाबू साहब ने शब्द को ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित किया था। I suggest the management work for number one leadership the whole country. राजस्थान पत्रिका ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान पत्रिका इस तरह के कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म में एक अहम भूमिका अदा करती रहे। हमने देखे ना थे मंजिलों के निशान, जब उठे थे कदम इस सफर के लिए। छोटा था तो अंधेरे बहुत डराते थे, तो बाबूजी कहा करते थे अगर अंधेरे को हराना है
तो तुम्हारे भीतर रोशनी होनी चाहिए। लेकिन भीतर की रोशनी के लिए हिम्मत चाहिए सच बोलने की, ताकत चाहिए झूठ से लड़ने की, वादा करना पड़ता है खुद से, लोगों के आंसू पोंछने का, उनकी जिंदगी से अंधेरे को दूर करने का। आइए रोशनी के सफर में हम भी जुड़कर साथ चलें। पत्रिका, एक अकेली आवाज, एक अकेला अखबार।